पानी दो कांचीराम में पानी दो मथुरा वृंदावन नगर की काशीराम आवासीय कॉलोनी के लोग अभी तक सुविधाओं से वंचित आज तक मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर हैं। बसपा शासनकाल में भले ही उन्हें सिर छिपाने के लिए आशियाने मिल गए हों, लेकिन आज तक वो पीने के पानी के लिए दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर हैं। इतना ही नहीं बल्कि क्षेत्र में गंदगी भी अपने चरम पर है, जबकि कोरोना का खौफ चारों ओर है। मगर प्रशासन ने इन लोगों की समस्याओं का संज्ञान नहीं लिया, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने आक्रोश में नारेबाजी की। इस दौरान लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर क्षेत्र में पीने के पानी की पाइपलाइन डाले जाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो कॉलोनी वासी सड़कों पर आंदोलन को बाध्य होंगे। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि बसपा सुप्रीमो द्वारा उन्हें सिर छिपाने के लिए छत तो मिल गई, लेकिन पानी, साफ सफाई जैसी मूलभूत समस्याओं के लिए आज भी उन्हें अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन कर अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है। प्रदर्शन इस बात का कर रहे हैं कि सवा महीना हो गया पानी नहीं है कॉलोनी के अंदर। पहले भी आप लोगों ने नगर निगम में प्रदर्शन किया था, शिकायत की तो उन्होंने लाइन डलाई थी, हमारी लाइन डला के उसके बाद में वो लाइन डला के छोड़ दी उन्होंने। कितने दिन हो गए लाइन को डले हुए? लाइन डले हुए 6 दिन हो गए। पानी की समस्या तो काफी दिनों से है। काफी दिनों से जब तक हमने कोई प्रयास नहीं किया, प्रयास करते हैं तो कोई हमारी सुनवाई नहीं करता है। कोई कहता है कि नगर निगम में नहीं है, कोई कहता है कि इस विभाग में नहीं है, उस विभाग में नहीं है, तो बताओ किस विभाग में। क्षेत्र पे हैंडपंप लगे उनका पानी? क्षेत्र पे हैंडपंप लगे हुए, सब खारी हैंडपंप लगे हुए। खारी हैंडपंपों से लोग बाग माता बहने पानी लेने के लिए आती है। यहाँ पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, कोई भी लाइटों की व्यवस्था नहीं है। अगर रात में कोई बहन बेटी अगर पानी लेने के लिए आए, असामाजिक लोग उनको असामाजिक तरीके से देखते हैं। वहीं क्षेत्र की रहने वाली महिला गीता दास ने बताया कि वर्तमान में देश विषम परिस्थितियों से जूझ रहा है। ऐसे में जहां लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, वहीं कॉलोनी वासियों को पीने के पानी के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। 2 महीना होने जा रहा है, बुजुर्ग सारे परेशान है पानी के पीछे, और कोई भी बीमार है, पैर में चोट भी है, वो है, सब परेशान है पानी के पीछे। कई बार सोच चुके हैं मायावती के कार्यकाल में ये फ्लड बनाए थे, तब आपको यहाँ फ्लड उपलब्ध कराए गए थे, तब से ही पानी नहीं है? अब से ही नहीं है, खारा पानी है। जो भी 2-4 नल है उसमें खारा पानी है, और दूर दूर से पानी ला रहे हैं, और 4-4 मंजिल, 3-3 मंजिल पे पानी भरने से परेशानी है। इसके अलावा जो महिलाएं बुजुर्ग हैं, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि गंदगी भी प्रशासन को दिखाई नहीं दे रही है। अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक इन परेशान लोगों की समस्या का समाधान करता है, या ये लोग पानी के लिए यूं ही चिल्लाते रहेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट।